हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट जेकोबियन एंड कैरोलिन एज। ये टाइम पीरियड था इसका 1600 टू 1610। ओके, हमने एलिजाबेथन एज कर ली थी लास्ट वीडियो में, तो आप मेरी वीडियो सिक्वेंशियली देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। लेट अस स्टार्ट जेकोबियन एंड कैरोलिन एज। जेम्स वन इस टाइम पे किंग थे वहाँ के। जेम्स वन कब से कब तक थे? 1603 टू 1625 तक ब्रिटेन के किंग थे। बिफोर ही बिकेम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, ही वॉज ऑल्सो द रूलर ऑफ स्कॉटलैंड। रूलर ऑफ इंग्लैंड बनने से पहले वो रूलर कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। ही वॉज जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड एंड लेटर ही बिकेम जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड। जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड बोलते थे उन्हें, और जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड। ये जो सिक्स वन ये जो लगता है, ये इनके जो पहले फादर्स होते हैं उनके नाम इन्हीं के नाम पे रखे होते हैं, तो इसीलिए वन टू थ्री ऐसे बोल देते हैं। तो ये स्कॉटलैंड के सिक्स थे, जेम्स सिक्स थे, एंड लेटर ही बिकेम जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड। ही वॉज कॉल एज द किंग ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। उन्हें किंग ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था। ओके, ही वॉज कॉल्ड एज द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और ही वॉज द सन ऑफ मैरी क्वीन। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ही वॉज द सन ऑफ मैरी क्वीन। ही वॉज रूलिंग इन इंग्लैंड ऑल्सो एंड इन स्कॉटलैंड ऑल्सो। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड मर्ज, ये इंग्लैंड पे भी रूल कर रहे थे और स्कॉटलैंड पे भी रूल कर रहे थे, और ये दोनों मर्ज करके क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन, जो हम बोलते हैं ना ग्रेट ब्रिटेन, वो कैसे? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों को मर्ज करके बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ओके, बिकेम द ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन कंसिस्ट ऑफ थ्री नेशन। ग्रेट ब्रिटेन में थ्री नेशंस आते हैं, कौन से? आयरलैंड, स्कॉटलैंड। ग्रेट ब्रिटेन में थ्री नेशंस आते हैं, कौन से? आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। आपको याद रखना है जेम्स वन स्कॉटलैंड के जो किंग थे कब से कब तक थे? 1567 टू 1625 तक ये स्कॉटलैंड के किंग थे। उसके बाद में इंग्लैंड के किंग बने, दोनों के किंग बने 1603 टू 1625। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तीनों को मिला के ही ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। एलिजाबेथ रूल ओनली इंग्लैंड। एलिजाबेथ ने रूल किया था सिर्फ इंग्लैंड में, और जेम्स वन वॉज द ओनली सन ऑफ मैरी क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड। ओके, ही वॉज द पर्सन हु यूज टू फॉलो द बुक्स। ही वॉज बुक वॉर्म। बुक वॉर्म क्या होता है? किताबी कीड़ा। उन्हें बुक वॉर्म बोला जाता था, किताबी कीड़ा बोला जाता था। उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने बाइबल लिखने में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, आगे हम पढ़ेंगे। और एलिजाबेथ किल्ड मैरी क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड। एलिजाबेथ ने मारा था मैरी क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड को। ओके, तो जेम्स को ये पता था कि उसकी मदर को एलिजाबेथ ने मारा है, फिर भी वो फॉर द गुड विल ऑफ द पीपल कभी भी एलिजाबेथ से दुश्मनी नहीं की उन्होंने। ही ऑल्सो सपोर्टेड एलिजाबेथ आइडियाज। एलिजाबेथन आइडियाज़ को वो सपोर्ट करते थे। वेन ही बिकेम किंग ही सेड दैट आई एम द ओल्डर एक्सपीरियंस किंग बिकॉज बिफोर दिस ही इज रूलिंग ऑन स्कॉटलैंड फ्रॉम 1567 टू 1603। मैंने बताया 1567 टू 1603 तक उन्होंने स्कॉटलैंड पे रूल किया था, उसके बाद में उन्होंने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड पे रूल किया था। कब से कब तक? 1603 टू 1625। ओके, जेम्स वन से इंग्लिश पार्लियामेंट अनहैप्पी थी, उसे पता नहीं था, ठीक है, वो खुश नहीं है इंग्लिश पार्लियामेंट, उसे पता नहीं था। ही नेवर कनेक्ट विद द कॉमन मैन, ही ऑलवेज कनेक्ट विद द एरिस्टोक्रेट, जो बड़े बड़े पदों पे होते हैं उनसे ज़्यादा कनेक्ट रहते थे। इवन एरिस्टोक्रेट डिड नॉट लाइक हिम, सो ही डिड नॉट हैव सपोर्ट ऑफ द कॉमन मैन नॉर द ग्रेट मैन। उन्हें एरिस्टोक्रेट ग्रेट मैन भी पसंद नहीं करते थे और कॉमन मैन भी पसंद करते नहीं करते थे, इसीलिए ही लेफ्ट अलोन, वो अकेले रह गए। ही ऑथराइज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल विच वॉज पब्लिश इन 1611। ये मैंने आपको बताया था, उन्होंने बाइबल में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। ही ऑथराइज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल विच वॉज पब्लिश इन 1611 एंड इट वॉज कॉल्ड एज द किंग जेम्स बाइबल। उसे
किंग जेम्स बाइबल भी कहा जाता है। द मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट ऑफ जेकोबियन प्रोज इज किंग जेम्स बाइबल। द मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट ऑफ जेकोबियन प्रोज क्या थी? किंग जेम्स बाइबल। और वो कब से कब? ऑन नवंबर 5 दे सेलिब्रेट द बॉनफायर। बॉनफायर क्या होता है? नाइट इन इंग्लैंड बॉनफायर होता है, डॉल की शेप होती है, वो ऊपर आसमान की तरफ उसको जला के उड़ाते हैं। तो नाइट इन इंग्लैंड बॉनफायर नाइट इन इंग्लैंड बनाते हैं कब? नवंबर 5 यू हैव टू रिमेंबर दैट, नवंबर 5 दे सेलिब्रेट द बॉनफायर नाइट इन इंग्लैंड। जो कैथोलिक ने प्लान किया जेम्स वन को मारने का, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करते थे, ठीक है। और उसके पिता हेनरी 8 ने जब अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स दिया था, तो पॉप द हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च उसके अगेंस्ट थे। हमने ये पहले अपने वीडियोस में काफ़ी बार डिस्कस किया है, तो आप मेरी वीडियोस पहले वाली भी ज़रूर देखिए, अगेंस्ट थे। और वो डाइवोर्स देने के लिए मना किया, फिर भी उसने कैथोलिक की बात ना मानकर कैथोलिक के खिलाफ एंग्लिकन चर्च एस्टेब्लिश की थी। किसने? हेनरी 8 ने। और कैथोलिज्म आ गया मैरी 1 के टाइम पे, जो हेनरी 8 की कैथोलिक बीवी थी। फिर भी प्रोटेस्टेंटिज्म मेन रिलीजन की तरह उभर के आया इंग्लैंड में, ओके। तो इलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट थी, जो कि हेनरी 8 की सेकेंड वाइफ एंग्वोलिन की बेटी थी। इसीलिए कैथोलिक्स ने इलिजाबेथन को इलिजिटिमेट कहा इंग्लैंड के क्रोन के लिए, मतलब नाजायज औलाद कहा गया किसको? इलिजाबेथ को, कि भाई वो उस लायक नहीं है, उस पद के और उस मुकुट के लायक नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैथोलिक सेकेंड मैरिज इज नॉट डन, मना थी वहाँ पे कि सेकेंड मैरिज नहीं होनी चाहिए। जब इलिजाबेथ को लगा कि सभी कैथोलिक उसके खिलाफ है, तो उसने 1555 में एक एक्ट पास किया, एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यू हैव टू रिमेंबर दिस, उसने एक एक्ट पास किया था, एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। मैं जो आपको नोट्स दे रही हूँ वो शॉर्ट फॉर्म में है, मैं आपको डिटेल नोट्स इसलिए समझा रही हूँ, और ये जो शॉर्ट फॉर्म के नोट्स हैं मैं आपको ये दे दूँगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ओके। तो लेट अस डिस्कस एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, उन्होंने लाया था 1555 में, जिसमें उसने कहा कि कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट, दोनों को प्रोटेस्टेंट चर्च में रोज जाना पड़ेगा। इसका गुस्सा कैथोलिक्स में था कि वाई हम प्रोटेस्टेंटिज्म को सर्व करें, क्यों जाएं, क्यों हम उनको सर्व करें। जब जेम्स वन आया तो कैथोलिक्स को लगा कि वो उनका साथ देगा, क्योंकि उसकी माँ मैरी कैथोलिक थी और एक प्रोटेस्टेंट क्वीन इलिजाबेथ ने उसे मारा था, तो उन्हें लगता था कि उसने उसकी माँ को इलिजाबेथ ने मारा है तो वो साथ देगा कैथोलिक्स का। लेकिन जेम्स वन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कैथोलिक्स वेरी मच अपसेट और उन्होंने जेम्स वन को मारने का प्लान किया, ओके। उन्होंने क्या किया? जेम्स वन को मारने का प्लान किया। तो ये प्लान को बोला जाता है रिबेलियन था। अब गन पावर रीज़न बोला जाता है, गन पावर सीन कब हुआ था? 5 नवंबर 1604 में, ओके। गन पावर सीन, गन पावर रीज़न भी बोला जाता है, गन पावर सीन भी बोला जाता है उसे। तो वो हुआ था 5 नवंबर 1604। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ कैथोलिक्स टू हैच ए प्लान ऑफ रिबेलियन, उन्होंने सोचा कि नहीं हमें बदला लेना है, तो उन्होंने एक प्लान बनाया जेम्स वन के खिलाफ। और रॉबर्ट गैट्सबी जो था वाज लेड बाय हिम बाय किलिंग द प्रोटेस्टेंट किंग। दे फिल्ड द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर पैलेस विद द गन पाउडर, जो बारूद था उन्होंने बेस्ट मिनिस्टर पैलेस था उसको पूरा गन पाउडर से वहाँ बिछा दिया था। अक्टूबर 1605 में कैथोलिक जो रिबेलियन थे उनको एक क्लोज रिलेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में था, उन्होंने लेटर लिखा कि तुम मीटिंग में मत जाना, लेकिन उसने वो लेटर सारे रॉयल मेंबर्स को दिखा दिया। और किंग जेम्स वन ने डिसाइड किया कि नवंबर 4
तक वो इस जानकारी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे बाकी अपराधियों को, ताकि पकड़ा जा सके। तो उन्हें पता चल गया था 4 नवंबर को, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया था कि हम बाकी अपराधियों को पकड़ना है, इसलिए वो सारे चुपचाप थे। जेम्स वन ने बेस्ट मिनिस्टर पैलेस को सर्च करवाया, उन्हें उनको गन पाउडर के साथ गाय फॉक्स जो एक कॉन्स्पिरेटर है था वो भी मिल गया, इसके हाथ में मैचेस थी। उन्हें वो कॉन्स्पिरेटर कौन था, गाय फॉक्स वो भी उन पकड़ा गया, उसे टॉर्चर किया गया, उसने सबके नाम बता दिए और उन सभी को पकड़ कर लटका दिया गया। फिर भी उसकी बॉडी को छोटे छोटे हिस्सों में काटा गया ताकि फिर कोई ऐसा काम या साजिश ना करे। इसके बाद किंग जेम्स वन ने नवंबर 5 को सारे इंग्लैंड में बॉन फायर सेलिब्रेशन करवाया, जो उनका ट्रेडिशन बन गया। गाय फॉक्स का पेपर मॉडल बनाकर जलाया जाता था। उस टाइम पे क्या किया जाता था, जो गाय फॉक्स है उसका पेपर मॉडल बनाकर उसे जलाया जाता था, उसे कहते हैं गॉन फायर सेलिब्रेशन। ओके, उसे कहते हैं गॉन फायर सेलिब्रेशन। अब जेम्स वन के बाद चार्ल्स वन उनका दूसरा बेटा राजा बना। जेम्स वन के बाद में कौन बना, चार्ल्स वन। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, जेम्स वन के बाद में उनका बेटा चार्ल्स वन राजा बना। चार्ल्स वन एक डेडिकेटेड रूलर था इंग्लैंड का, उसका नाम जेम्स टू इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि वो अपने पिता जेम्स वन की तरह स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का राजा न बताकर सिर्फ राजा द ग्रेट ब्रिटेन का बनना चाहता था। ओके, इन इंग्लैंड आल्सो देर आर टू हाउसेस, इंग्लैंड में दो हाउसेस थे उस टाइम पे, हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल लोकसभा है ना, हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, उसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन। और एक दूसरा हाउस था हाउस ऑफ रॉयल क्या है, हाउस ऑफ एग्जांपल हाउस ऑफ कॉमन अपॉइंट और इलेक्ट द हाउस ऑफ रॉयल, जो हाउस ऑफ कॉमन है वही ही इलेक्ट करते हैं हाउस ऑफ रॉयल के मेंबर्स को, जैसे हमारे राज्यसभा है। ओके, तो ये दो हाउसेस थे, हाउस ऑफ रॉयल एंड हाउस ऑफ कॉमन। एंड किंग जेम्स वन डिसलाइक द हाउस ऑफ कॉमन, जिसके वजह से जेम्स वन को इंग्लैंड से बाहर कर दिया गया। सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था इसलिए उन्हें इंग्लैंड से बाहर कर दिया गया। कैथोलिक बहुत कम बचे थे क्योंकि कैथोलिक कन्वर्ट हो गए थे किस में, प्रोटेस्टेंट में। ओके, और ऑल द पीपल कन्वर्ट टू प्रोटेस्टेंटिज्म। एंड जब चार्ल्स वन ने डिसाइड किया कि वो एक कैथोलिक गर्ल से शादी करेंगे, तो सारे प्रोटेस्टेंट को लगा कि आगे आने वाला राजा क्या होगा, कैथोलिक होगा या प्रोटेस्टेंट होगा, तो उनको फिर से बुरा लगा। द सेकेंड मिस्टेक चार्ल्स डन इज़ ब्राइब, जो उसकी वाइफ थी इज़ नॉट ओनली ए कैथोलिक बट शी इज़ फ्रॉम फ्रांस, वो कैथोलिक तो थी लेकिन फ्रांस की भी थी, एंड फ्रांस के साथ इंग्लैंड के कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं रहे। एंड चार्ल्स वन वांटेड ऑल द मनी विच इज़ इन द ट्रेजरी ऑफ इंग्लैंड, वो ट्रेजरी ऑफ इंग्लैंड जो भी थे वो उसको, चार्ल्स वन को क्या चाहिए था, सारी मनी वहाँ की उनको चाहिए थी, ट्रेजरी ऑफ इंग्लैंड फॉर हिज ओन यूज़ नॉट फॉर द नेशन, वो खुद के ही स्वार्थ के लिए यूज़ करना चाहते थे ना कि नेशन की भलाई के लिए। ही पास सर्टन लॉज टू गेट ऑल द ट्रेजरी ऑफ हिज ओन बेनिफिट, वो ऐसे ऐसे लॉज बनाते थे ताकि उनका खुद का ही बेनिफिट हो ना कि नेशन का। ही अनफिल्टर्ड हैवी टैक्स, जो फाइन है, ऑन द अपर क्लास पीपल सो दैट ही गेट द मनी फॉर हिमसेल्फ, वो अपर क्लास पीपल पे बहुत सारे टैक्स फाइन लगाते थे ताकि उनका बेनिफिट हो सके, उनको बहुत सारा पैसा मिल सके। ही ब्राइब द नोबल पीपल, वो रिश्वत लेते थे नोबल पीपल से। एंड शिप मनी, जो शिप मनी क्या होती है, फॉर्म ऑफ टैक्स है विच हैज़ टू बी पे हु लिव नियर द कोर्ट फॉर नेवी, जो वो समुंदर के पास रहते हैं उनसे जो लेते हैं शिप मनी बोलते हैं। ही सेड नो एवरी मेंबर ऑफ इंग्लैंड हैज़ टू पे शिप मनी। ओके, तो वो बोलते थे कि सारे मेंबर ऑफ इंग्लैंड शिप मनी पे करेंगे। 10 साल तक उसने सिर्फ अपनी चलाई,
कितने इयर्स तक, 10 साल तक उसने सिर्फ अपनी चलाई और कोई मीटिंग पार्लियामेंट की करी ही नहीं करवाई। उसको कहते हैं दिस पीरियड ऑफ 11 ईयर्स इज कॉल्ड, दिस पीरियड ऑफ 11 ईयर्स इज कॉल्ड 11 ईयर्स इज कॉल्ड 11 ईयर टायरनी, इसे 11 ईयर ऑफ टायरनी और क्या कहते हैं चार्ल्स वन पर्सनल रूल, इसे 11 ईयर्स ऑफ टायरनी और चार्ल्स वन पर्सनल रूल भी कहते हैं। व्हेन ही हैड वॉर विद स्कॉटलैंड ही सेड टू द पार्लियामेंट टू फंड द वॉर अगेंस्ट स्कॉटलैंड, जब उनका वॉर होने लगा स्कॉटलैंड में उन्होंने पार्लियामेंट को कहा कि फंड करो स्कॉटलैंड के वॉर होने वाला है, तो फंडिंग के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। पार्लियामेंट को पता था कि उसने 11 साल तक कोई मीटिंग ही नहीं होने दी है, उन्होंने 2 शर्तें रखी, किसने पार्लियामेंट ने, चार्ल्स वन चीफ एडवाइज़र सर थॉमस वेंटवर्ड को निकाल दो, पहला था उनको कि चीफ एडवाइज़र जो है सर थॉमस वेंटवर्ड उसको निकाल दो और चार्ल्स वन के पास कोई पावर नहीं होगा पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का और इलीगल होगा टैक्सेस लगाना अपने आप पर, अपने आप किसी दूसरे पर टैक्स लगाना इलीगल होगा। उन्होंने 2 ये शर्तें रखी थी, ठीक है, चार्ल्स वन को बचाने के लिए कि स्कॉटलैंड के वार में हम तभी आपकी मदद करेंगे तब आप ये हमारी शर्तें मानोगे। इन 1642 में वो इतना गुस्से में था कि अपने ही पार्लियामेंट पे उसने क्या किया, 300 सोल्जर्स के साथ चढ़ गया जो उसके खिलाफ है उनको मारने के लिए। वो जब उन्होंने ये शर्तें रखी तो उसको ये मतलब वो नहीं मानने वाला था, तो उसने अपने ही पार्लियामेंट पे चढ़ाई कर दी 300 सोल्जर्स को लेके। सब ने ये देखने के बाद हाउस ऑफ कॉमन और सभी जनता ने डिसाइड किया उसे हटाने का और चार्ल्स वन ऑक्सफोर्ड उसके बाद में भाग गए। सिविल वॉर स्टार्ट एंड चार्ल्स वन वॉज रिमूव्ड, कहाँ पे भाग गए, सिविल वॉर स्टार्ट एंड चार्ल्स वन वॉज रिमूव्ड, ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस। उसके बाद में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, चार्ल्स वन रिमूव्ड हुआ और 1660 चार्ल्स टू वॉज रिक्रॉन, उनको चार्ल्स टू उसके बाद में गद्दी पे बैठे। तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आज हमने जैकोबियन और कैलेनिन एज, ये क्योंकि दोनों मर्ज है इसीलिए मैंने ये दोनों आपको एक साथ ही करा दी है। तो आप याद रखना है कि इसमें जेम्स वन और चार्ल्स वन हमने पढ़ा है, तो कल हम करेंगे बेन जॉनसन। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपका सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से